पूरे बागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया है। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे बागड़ का भाजपा के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए, और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं, उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें बताओ? कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी हैं, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से आशीर्वाद मांगने के लिए आया है।